लोगों को बताता हूं कि यहां पर कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए आप विशाल ब्रह्म भट्ट जो हमारे बीच मौजूद हैं, वो आए और अपनी एक प्रतिनिधि रचना से सबको अवगत कराएं, पर जोरदार तालियां बजाएं आप विशाल ब्रह्म भट्ट की। आज मेरा एक बड़ा सौभाग्य है कि सर के दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं चार पंक्तियों से अपना परिचय देता हूँ कि मैं नाम कवि हूँ। मैं हाथ में दे दूँ माइक को, गलत मत समझना। आपकी सोच बहुत ऊपर की है, ये मैं जान चुका हूँ। यहाँ तो मैं वैसे वीर रस भी पढ़ता हूँ और कुछ शायरी भी करता हूँ, तो आज आप ही बताएं कि मैं शायरी सुनना पसंद करोगे या वीर रस। शायरी तो मैं जब से यहाँ आया हूँ सुनता रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं वीर रस पढ़ूँ। यहाँ पाकिस्तान निपटा दो। चार पंक्तियों से मैं अपना परिचय देता हूँ कि ना मैं कवि हूँ, ना लेखक हूँ, ना खुद को शायर कहता हूँ। ना मैं कवि हूँ, ना लेखक हूँ, ना खुद को शायर कहता हूँ। कुछ शब्द पिरोने बैठा हूँ, बस महाराणा को भगवान कहता हूँ, बस महाराणा को भगवान कहता हूँ। मेवाड़ की माटी से आया हूँ और एक मेरी एक छोटी सी नई रचना, चंद मिनट लूंगा, पांच मिनट की रचना है और अपना स्थान रेड करूंगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो आप सभी सुनने की इच्छुक हो तो मैं सुनाऊं। बाकी स्वागत स्वागत सुनने ही बैठे हैं। और रचना कुछ यूं है, जिसकी गाथा को सुनकर रक्त उबलने लगता है, जिसकी गाथा को सुनकर रक्त उबलने लगता है, मरा हुआ व्यक्ति भी उठकर चलने लगता है। जिसकी गाथा को सुनकर रक्त उबलने लगता है, मरा हुआ व्यक्ति भी उठकर चलने लगता है। स्वाभिमान के उस दीवाने को महाराणा प्रताप कहते हैं, स्वाभिमान के उस दीवाने को महाराणा प्रताप कहते हैं। शीतल जल को छू ले तो आग उबलने लगता है, शीतल जल को छू ले तो आग उबलने लगता है। और मैं मांडलगढ़ की धरती से आया हूँ, राणा सांगा की धरती से आया हूँ, तो दो पंक्तियाँ मैं राणा सांगा के लिए करता हूँ कि गुलामी की जंजीरें तोड़कर सबसे आगे निकलता है, गुलामी की जंजीरें तोड़कर सबसे आगे निकलता है। सांगा का वो वंशज दुश्मन की छाती चढ़ता है। महाराणा प्रताप जो राणा सांगा के पौत्र है, सांगा का वो वंशज दुश्मन की छाती चढ़ता है। धड़कटे बलिदान हुए आन मान शान पर मिट जाते हैं, धड़कटे बलिदान हुए आन मान शान पर मिट जाते हैं। तब जाकर कहीं महाराणा प्रताप कहलाते हैं, तब जाकर कहीं महाराणा प्रताप कहलाते हैं। और अभी हाल ही में साल भर में मैं कई बार अखबारों में, टीवियों में नेताओं द्वारा महाराणा प्रताप पर अकबर टिप्पणियाँ की गई, तो उसको याद करते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए मैंने दो पंक्तियाँ लिखी थी कि इतिहासों में जो अमर है उनको नीचा दिखाया है, इतिहासों में जो अमर है उनको नीचा दिखाया है। थूकता हूँ ऐसे इतिहासकारों पर जिन्होंने अकबर को अपना बाप बताया। इतिहासों में जो अमर है उनको नीचा दिखाया है, थूकता हूँ ऐसे इतिहासकारों पर जिन्होंने अकबर को अपना बाप बताया है। शत्रुओं के काल थे तुम, माँ भारती के लाल हो तुम, शत्रुओं के काल थे तुम, माँ भारती के लाल हो तुम। आन हो तुम, शान हो तुम, खुद में कमाल हो तुम, आन हो तुम, शान हो तुम, खुद में कमाल हो तुम। और मेवाड़ के लिए मैं चार पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा कि ये वो मेवाड़ है जहाँ चेतक की टापे गुंजी है, ये वो मेवाड़ है जहाँ चेतक की टापे गुंजी है। महाराणा प्रताप की एक दाढ़ से अकबर की टांगे दूजी है, महाराणा प्रताप की एक दाढ़ से अकबर की टांगे दूजी है। वीरों की इस माटी पर अपमान रोकने आया हूँ मैं, यहाँ महाराणा प्रताप की कविता किस लिए सुना रहा हूँ वो चार पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि वीरों की इस माटी पर अपमान रोकने आया हूँ, रुकी हुई इन सांसों में जान फूकने आया हूँ, तप रही भूमि का तापमान बताने आया हूँ। मैं मेवाड़ी मिट्टी का शेर स्वाभिमान जगाने आया हूँ, मैं मेवाड़ी मिट्टी का शेर स्वाभिमान जगाने आया हूँ। और चार पंक्तियाँ सुनाकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि
सम्मान लिखूंगा, जब तक है जान सम्मान लिखूंगा, मेवाड़ का स्वाभिमान लिखूंगा, जिसके सीने से टकराकर तलवारें टूट जाती थी, मैं उस महाराणा प्रताप को भगवान लिखूंगा।